गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, अब आप फर्स्ट से सेकंड क्लास में आ गए हैं, इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी का ड्राइंग की फर्स्ट डे की क्लास में स्वागत है। आप सभी ने अपनी पिछली क्लास में ड्राइंग वर्क हो या क्राफ्ट वर्क हो, सभी में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वर्ष भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम अपनी पहली क्लास में पहली ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम आपको फर्स्ट क्लास में आइसक्रीम बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही इजी तरीका ढूंढा है। ये देखो बच्चों, इसके लिए आपको एक स्केल चाहिएगा, पेंसिल, इरेजर, अगर आपसे कभी थोड़ी गलती हो जाए, और आप चाहो तो डायरेक्ट स्केच पेन या मार्कर किसी भी चीज़ से बना सकते हो, और चाहो तो बच्चों आप पहले इसको पेंसिल से बना सकते हो। तो चलो हम पहले आपको पेंसिल से बताते हैं कि कैसे आपने इसको इजी तरीके से बनाना है। तो बच्चों देखो, ये हमने इस तरीके से स्केल रखा, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस तरीके से जितनी बड़ी आपको आइसक्रीम चाहिए अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग इस तरीके से लाइन लगा लेंगे। इसी तरीके से थोड़ी दूरी के ऊपर हम दूसरी लाइन लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है बच्चों? अब आपने क्या करना है, इन दोनों लाइन्स को इस तरीके से आप मिला लेंगे, और ये जो ऊपर की दोनों लाइनें इनको हम इस तरीके से घुमाते हुए, उल्टा सी बनाते हुए इस तरीके से हम इन दोनों को भी मिला देंगे। आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से स्केल से सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नीचे इसकी स्टिक बना सकते हैं। यह देखिए, इसकी स्टिक बनके तैयार हो, ठीक है बच्चों? अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से आपने स्केल लेके और इसकी आउटलाइंस कर देनी है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको सुंदर दिखाने के लिए बेटा आपने क्या करना है, इसकी हम टू आईज दिखा रहे हैं इस तरीके से, ये इसके लिप्स दिखा दिए, ठीक है? अब आपको जिस भी कलर की आइसक्रीम पसंद है आप वही कलर इसमें फिल कर लीजिए। आप चाहो तो इसमें दो तीन कलर भी फिल कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके कलर्स हैं वो लाइनों से बाहर ना जाएं, ठीक है? यहाँ मैं इसको दो तीन कलर से बेटा करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी सुंदर दिखे। अगर आपको एक कलर की बनानी है तो आप एक कलर की भी बना सकते हैं। तो पहले मैंने ऑरेंज कलर लिया था, अब मैंने येलो लेमन कलर लिया है। फिर से वही कलर पहले वाला स्टार्ट कर दिया।
लिप्स पे यहाँ थोड़ा सा रेड कलर दिखा दिया। स्टिक आप चाहे ब्राउन कलर की कर दीजिए या और भी अगर आपको लाइट कलर लेना है तो उसकी भी कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपकी कितनी सुंदर आइसक्रीम बनके तैयार हो गई। तो चलो अब हम अपनी बुक की एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। बेटा हमने बुक के अंदर पेज नंबर 3 से अपना काम स्टार्ट किया है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको देखो इन्होंने सेकेंडरी कलर आपको दिखा रखे हैं। सेकेंडरी का पहले आपने जो प्राइमरी कलर फर्स्ट के अंदर सीखे थे, प्राइमरी कलर कौन से होते थे बेटा? रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जो दो कलर से मिक्स करने पर तीसरा कलर हमारे पास आता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया रेड प्लस येलो करेंगे हम तो ऑरेंज बन जाएगा, रेड प्लस ब्लू करेंगे तो वायलेट बन जाएगा, और ब्लू प्लस येलो करेंगे तो ग्रीन बन जाएगा। इस तरीके से ये आपके सेकेंडरी कलर्स हो गए। तो बच्चों अब हम इसमें कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कलर हैं वह लाइनों से बाहर ना जाए। बेटा ये देखो ये सर्कल में बने हुए हैं, ठीक है। आप तो क्या करेंगे, आपने अपना जो कलर है ये देखो ब्लू कलर है, तो इसको आपने कैसे चलाना है, आपने सर्कल में ही अपने हाथ को इस तरीके से चलाना है, ठीक है। अब आप इसमें रेड कलर करेंगे। यहाँ भी रेड कलर कर दीजिए।
अब इन दोनों में आप येलो कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप ऑरेंज कलर कर दीजिए। बेटा बस ध्यान रखना है कि जिस शेप में जो भी चीज़ बनी हुई है वैसे ही आपने अपना हाथ चलाना है। यहाँ पे आप बच्चों पर्पल कलर कर देंगे। ग्रीन कलर कर देंगे। देखिए आपका ये बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, अपने ये दोनों काम कंप्लीट करके ट्यूसडे को 9 बजे अपने ड्राइंग ग्रुप में सेंड करना है विद नेम। मुझे आशा है आप सभी इसको काम को करके एंजॉय करेंगे। थैंक यू।